जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना आतंकवादियों पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। कुलगाम में आतंकवादियों के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारतीय सेना ने दो दिनों से चल रहे एनकाउंटर में लश्करे तैयबा के 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके बाद भी भारतीय सेना लगातार इलाके में छुपे आतंकियों की तलाश में है। कल दोपहर को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी कि समनू कुलगाम में कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट की आशंका है, तो उसी सिलसिले में उस समनू कुलगाम में कुछ घरों का मुहासरा किया गया था। मुहासरे के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहां से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। तो ये इनकाउंटर अभी जारी है, फाइनल स्टेजेस में है और सैनिटाइजेशन की जा रही है। अभी तक की ताज़ा जो स्थिति के हिसाब से इसमें 5 जो हैं लश्कर तौयबा के जो टेररिस्ट की संभावना है और कुछ बॉडीज साइट हुई हैं। चूंकि अभी ऑपरेशन सैनिटाइज हो रहा है और उसकी बाकी जो शिनाख्त और बाकी तफसीलात हैं वो आपको उचित समय पे शेयर की जाएंगी। सर, यहाँ से कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ है? कुछ अभी एक जो सिक्योरिटी अफराद था उनको हल्का सा थोड़ा सा स्मॉल इंजरी थी, इट वॉज नॉट फेटल, इट वॉज स्टेबल। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में बढ़ी आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस मिलकर युद्ध स्तर पर आतंकवादियों को सर्च ऑपरेशन चलाकर ढूंढ रही है और इलाके को आतंकियों से मुक्त कराने के प्रयासों में लगी हुई है।